हेलो दोस्तों, मैं टुपाई कर और मैं इस वीडियो में आप लोगों को पनीर का रेसिपी बताऊंगा और पनीर का सब्ज़ी किस तरह बनता है और पनीर का सब्ज़ी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। चलिए उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह पनीर का सब्ज़ी बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले पनीर का सब्ज़ी बनाने के लिए तो पनीर की ज़रूरत होती है। उसके बाद टमाटर, प्याज और हरा मटर, और ये पोस्तु है जिसे दुकान में से ख़रीदा जाता है, और ये जीरा है, सूखा मिर्चा, प्याज, लहसुन, अदरक और ये मसाला। तो सबसे पहले तो सब्ज़ी बनाने के लिए इस मसाले को, इस चीज़ों को जैसे प्याज हो गया, अदरक, लहसुन, जीरा और सूखा मिर्चा को पीसा जाता है, जैसे कि मिक्सर में पीसते हैं, ये लोग सील से पीसेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह पीसते हैं। दोस्तों अभी देख सकते हैं मसाला को पीसा जाएगा, अदरक, लहसुन, प्याज, जीरा, गरम मसाला जो कि 5 रुपए का पैकेट में भी मिलता है और पाउडर वह भी मिलता है। तो इसे सब मसाले को डाला गया है, अभी इससे पीसा जाएगा। हल्का सा पानी दे देते हैं ये लोग। मसाले को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पीसा जाता है ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अच्छी तरह से इसे पीसा जाता है। उसके बाद जब तक ये पूरी तरीके से महीन नहीं हो जाती तब तक इसे पीसते हैं, 2 से 3 बार, ज़्यादा नहीं। और आप देख सकते हैं ये जो मसाला, ये तैयार हो चुकी है, अभी इसे प्लेट में रखा जा रहा है। उसके बाद हम जाएंगे चूल्हे की ओर और देखेंगे कि पनीर का सब्ज़ी किस तरह बनता है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है पनीर का सब्ज़ी बनाने के लिए। तो चलिए, और अभी हम पनीर का सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं और कढ़ाई जो गर्म हो चुकी है उसके बाद हम थोड़ा सा तेल देंगे इसमें, करीबन 10 से 20 ग्राम तेल जो है वो गर्म हो चुकी है। उसके बाद पनीर को इसमें छोड़ा जाता है और इसे हल्का सा फ्राई करके इसे अलग से कटोरे में निकाला जाएगा। और आप देख सकते हैं ये करीबन 1 मिनट हो चुकी है, और हल्का सा और फ्राई करते हैं ताकि जो पनीर है वो अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं रंग आएगा उसमें। पनीर अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, 2 से 3 मिनट लगी है इसे अच्छी तरह से फ्राई होने में, और इसे अभी कटोरे में रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पनीर को कटोरे में रखने के बाद तेल में प्याज को छोड़ा जाता है और तेल को अच्छी तरह से फ्राई करते हैं ये लोग। प्याज को अच्छी तरह से ये लोग फ्राई करते हैं, आप देख सकते हैं प्याज को डालने के बाद प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। उसके बाद ये लोग उस मसाले को डालते हैं जिसे पीसा गया था सील से, और हल्का सा पानी देकर इसे मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में करने के बाद टमाटर को डाला जाता है उस मसाले में और उसको भी मिक्स करते हैं ताकि जो टमाटर, कच्चा टमाटर को डाला गया है वो अच्छी तरह से पक जाए। इसे करीबन 30 सेकेंड से 40 सेकेंड तक अच्छी तरह से मसाले को फ्राई करते हैं ताकि मसाला जो है वो कच्चा ना रहे। इसलिए मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और देख सकते हैं किस तरह इसे मिक्स किया जा रहा है। मिक्स करने के बाद जो हरा टमाटर है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, हरा मटर जिसे कहते हैं, उसे इसमें डाला जाता है और डालने के बाद उसे मिक्स कर लेते हैं हरा मटर को, और हल्का सा इसमें पानी दे देते हैं ये लोग ताकि नीचे में लग ना जाए। और इसके बाद इसे मिक्स करते हैं, देख सकते हैं हरा मटर पीने से पनीर अच्छा बनता है और रंग भी आप देख सकते किस तरह
दिखाई दे रहा, रंग जो है वो उभर कर आ रही है। उसके बाद हल्का सा स्वाद अनुसार नमक दे देते हैं ये लोग और उसके बाद मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद पनीर जिसे हमने फ्राई किया था तेल में उसे डाल देते हैं और डालने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं। जिसे जिस पनीर को अच्छी तरह से तेल में फ्राई किया था उसे उसके बाद कटोरे में रखा गया था उस पनीर को ये लोग डालने के बाद मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं इसे करीबन 1 से 1.5 मिनट इसी तरह मिक्स करते हैं और चेक करते हैं कि जो मटर है हरा मटर वो अच्छी तरह से पकी है या नहीं। और उसके बाद ये लोग पानी डाल देते हैं, करीबन 1 ग्लास पानी डाल देते हैं और इसे करीबन 4 से 5 मिनट तक इसी तरह ये लोग छोड़ देते हैं ताकि पनीर हरा मटर टमाटर और जितने भी सारे चीज़ें डाला गए वो अच्छी तरह से पक जाए। तो इसलिए इसे कम से कम 5 मिनट तक इसी तरह रखा जाता है इसी टेम्परेचर में और उसके बाद अच्छी तरह से पकने के बाद इसे थाली को ऊपर में रखा गया है ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। जो आगे की आँच है उसे कम किया गया है ताकि धीरे 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 वो पनीर का सब्जी बनकर तैयार हो जाए और इसे होने में 5 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएगी और इसके उसके बाद हम या आप भी इस पनीर को अपने घर में बनाकर इस पनीर का सब्जी का स्वाद उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। तो इसे करीबन 5 मिनट का समय लगेगा, तब तक हम वेट कर लेंगे। और 4 मिनट हो चुकी है, उसके बाद इस थाली को हटाया जाता है और उसके बाद आप देख सकते किस तरह उबल रही है। और इसे और एक बार इस तरह हिलाते हैं, पानी जो है वो हल्की सी कम हो चुकी है। और इसे आप अपने राइस के साथ खा सकते हैं जिसे चावल भी कहते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पुलाव के साथ खा सकते हैं और रोटी हो पूरी हो राइस हो इसके साथ आप खा सकते हैं पनीर का सब्जी। और ये पनीर का सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और अभी इसे उतारा जाएगा और उसके बाद इसे चावल के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाया जाता है और साथ ही पूरी के साथ भी खा सकते हैं। और थोड़ा सा आप अगर आप ऊपर में गरम मसाला देना चाहते हैं तो गरम मसाला भी दे सकते हैं इस तरह से, उसके बाद मिक्स कर सकते हैं ताकि गरम मसाला का जो सेंट है स्वाद है वो अच्छी तरह से पनीर में घुल मिल जाए। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सवाल करने हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।